3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज। अब सुनिए, अब नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके दो मित्रों को ये भारत माता का बिजनेस दे दिया जाए। किसान और ट्रैक्टर रैली के दौरान केंद्र सरकार को घेरा राहुल गांधी ने ग्राम सुरसुरा में वीर तेजाजी महाराज के दर्शन कर रूपनगढ़ में की ट्रैक्टर और किसान रैली। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने दो दिवसीय राजस्थान दौरे के तहत शनिवार को सूरतगढ़ से रूपनगढ़ में किसान रैली को संबोधित करने पहुंचे। हवाई मार्ग से सूरतगढ़ से किशनगढ़ पहुंचे राहुल गांधी की अगवानी के लिए किशनगढ़ हवाई अड्डे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी अजय माकन, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आदि नेता मौजूद रहे। किशनगढ़ से राहुल गांधी सुरसुरा स्थित वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे और उनके दर्शन कर धर्मलाभ प्राप्त किया। इसके बाद सड़क मार्ग से रूपनगढ़ पहुंचे, जहां रास्ते में कई जगह उनका स्वागत किया गया। ट्रैक्टर रैली में शामिल होकर राहुल गांधी ने किसान रैली को भी संबोधित किया। राहुल ने अपने चिर परिचित अंदाज और पूर्व की रैलियों में दिए गए भाषण को दोहराया। उन्होंने मोदी को किसानों के विद्रोह का जिम्मेदार बताया। राहुल ने चिल्ला चिल्लाकर कहा कि केंद्र सरकार के ये तीन कानून किसान और खेती दोनों को बर्बाद कर देंगे। कृषि व्यापार हम दो और हमारे दो के हाथों में चला जाएगा। रैली के समापन पर राहुल गांधी को हल भेंट कर उनका आभार जताया गया। राहुल गांधी रूपनगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा मकराना के लिए रवाना हुए, जहां किसान महापंचायत की सभा करने के बाद शाम को एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वही किसान सारे के सारे दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि ये कानून किसान के लिए नहीं है। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे पर भाजपा ने राजनीतिक आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप का जवाब प्रत्यारोप से दिया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस सदा भाजपा की खिलावत करती है, ठीक उसी तरह भाजपा भी कांग्रेस की खिलावत करने से नहीं चूकती। राजस्थान के सूरतगढ़, रूपनगढ़ और मकराना में आयोजित किसान रैलियों को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी पर शहर जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर प्रियशील हाड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन ने जमकर आरोप लगाए। राहुल गांधी जी पिछले दो दिनों से कल से राजस्थान के दौरे पर है और आपने देखा होगा कि जो पुराना जो अपना तीन विधेयक थे कृषि संशोधन पे, और उनको तो कृषि संशोधन विधेयक के बारे में ABCD भी नहीं पता होगी, उन्होंने तो पढ़े भी नहीं होंगे कि ये विधेयक है क्या। बस किसान बैठे हुए हैं तो बस उनको राजनीति सेंकनी है इस नाते, और राजस्थान उनका एकमात्र ऐसा जो प्रदेश है जहाँ पर उनकी सरकार है और अपने जो है मुख्यमंत्री उनके फेवर के हैं, इसलिए वो ले दे करके खाली राजस्थान में आने की कोशिश करते हैं। अन्य कोई प्रदेश में जाए, चाहे पंजाब में चले जाएँ, पंजाब में भी तो उनकी सरकार है, पंजाब में क्यों नहीं जाते, राजस्थानी क्यों चुनते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो जिसको उनको ना तो ज्ञान होता है ना ABCD पता होती है कि आखिर विधेयक है क्या। बस वो तो विधेयक का विरोध करना है या मोदी सरकार ने कोई चीज़ करी है तो उसका विरोध करना है, उसको विरोध करने के नाते वो तो बस निकल पड़ते हैं। फिर भी आपने देखा होगा कि कल मंच पर उनके खाट, जो उनने खाट का मंच बनाया था, वो मंच भी टूटा। तो इसी तरह ये दिखाता है कि ऊपर वाला भी उनके फेवर में नहीं है, कि ऊपर वाला भी ये दिखाता है कि उनकी सरकार बिल्कुल टूट के अब लास्ट स्टेज में कोने से जैसे खाट गिरी, ऐसे उनके कोने कोने से पूरी सरकार गिरती आ रही है और अब मात्र एक दो प्रदेश में बची है, वो भी समाप्ति की ओर है। क्या मानते हो कि राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर
राहुल गांधी जी दौरा करते घूम रहे हैं राजस्थान में, और उनके शासन में उनके सरकार आने से पहले जो उन्होंने घोषणा की थी कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, वो किसान लठ लेकर के राहुल गांधी जी और उनकी सरकारों को, चाहे वो मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ढूंढते फिर रहे हैं। और राजस्थान के 60 लाख किसान आज उस बात को दोहरा रहे कि राहुल जी जब घोषणा करके गए थे कि साहब कर्जा माफ़ कर देंगे, वो तो कर नहीं पाए, और आज ये किसान बिल का विरोध करने के लिए आ रहे हैं। तो किसान बिल का विरोध उनका उसी तरह का विरोध है जिस प्रकार से उनका कर्जा माफ़ी को लेकर के उनका दावा था, आश्वासन था। तो न तो वो कर्जा माफ़ कर पाए, न बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता दे पाए। 27 लाख युवा आज भी बेरोजगारी भत्ते की तलाश कर रहे हैं, मात्र 25 लाख युवाओं को ये बेरोजगारी भत्ता दे पाए। पिछले 2 साल में एक नया रोजगार जो कि हमारे समय भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय जो सैंक्शन हुआ था उनके अलावा नहीं दे पाए। 2 साल में एक विकास का नया काम ये नहीं कर पाए। जो भी काम राजस्थान में चल रहे हैं विकास के काम, वो भारतीय जनता पार्टी के समय जो वित्तीय स्वीकृतियाँ हो गई थी, जो काम हो गए थे शुरू, वही चल हो पा रहे हैं। तो ये सरकार की स्थिति है राजस्थान में, और देश में कांग्रेस की स्थिति है कि वो गर्त में जा रही है कि 3.5 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। केवल मात्र सरकार का विरोध करना है, मोदी जी का विरोध करना है, इनका एक ही एजेंडा है। और विरोध करने के पीछे जो ताकतें लगी हैं वो राजस्थान क्या देश की पूरी जनता समझ चुकी है, और देश की जनता मानती है कि किस प्रकार से देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर किस प्रकार के आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, चाहे कश्मीर में 377 हटाने की बात हुई हो, चाहे CAA का मामला हो, और अब किसान आंदोलन भी। तो इसलिए राहुल गांधी जी के दौरों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देश की जनता मोदी जी के साथ थी, है और रहेगी। और आने वाले जो चुनाव है, बंगाल साफ दिख रहा है कि बंगाल में क्या होने वाला है। केरल में अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस अब कूद पड़ी है मैदान में, लेकिन इज्जत बचेगी या वहाँ पर से भी वो केरल से कन्याकुमारी से होते हुए हिंद महासागर में डूब मरेगी, ये आने वाला समय बता देगा। तो राजस्थान के बजाय वो बंगाल और केरल में जाकर अपनी कुछ सीटें बचा ले तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं आपको क्या लगता है इस दौरे में सचिन पायलट और अशोक दौरे में थोड़ी कम हो जाएंगे? देखिए, 2 साल से इस राजस्थान की जनता लगातार देखती आ रही है कि कांग्रेस 2 फाड़ ऊपर से लेकर नीचे तक बटी हुई है। इनके विधायक मंत्रियों के खिलाफ है, मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ है, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ है, ये एक दूसरे के खिलाफ भी ये पूरा सरकार को चला रहे हैं। आपस में लड़ कर ही ये अपनी कुंठा मिटाने में लगे हैं। राजस्थान की जनता की इनको चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो है वो पायलट साहब के खिलाफ बोलते हैं, पायलट साहब मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलते हैं, और सरकार अब गिरी की तब गिरी, ऐसी स्थिति में सरकार चल रही है। सरकार बचाने के लिए बाड़ाबंदी करते हैं, इनके विधायक जो हैं सरकार के अधिकारियों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, और अधिकारी सरकार जो विधायक उनकी नहीं सुन रहे। ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं है कि इनमें कभी पैचअप हो पाएगा या कभी ये वापस मिल पाएंगे, क्योंकि कल के भी जो हाल थे वो बड़े बेहाल थे कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं वो कर रहे थे वहाँ पर। तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 2 साल से ज़्यादा ये सरकार, क्योंकि ये सरकार के आधा तो काल बीत चुका, आधे काल में इन्होंने कोई काम नहीं किया और आपस में लड़ करके ये अपने को बचाने लड़ने में लगे रहे, और मुझे लगता नहीं जनता का ये कुछ भला कर पाएंगे, और इनमें कोई पैचअप होने की उम्मीद मुझे दिखती नहीं है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को वितरित किए निशुल्क सहायक उपकरण, मेयर ब्रजेंद्र राहड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन के आतिथ्य में हुआ शिविर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।
राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ द्वारा प्रधानमंत्री निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेयर बृजलता हाड़ा और डिप्टी मेयर नीरज जैन रहे। इनके साथ जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा भी मौजूद थे। राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ के अध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि 40 दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को नेत्रहीन सेवा संघ की ओर से सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं, जिससे वे अध्ययन में सहूलियत प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर मेयर बृजलता हाड़ा ने बताया कि उनकी ओर से कोई भी सहयोग मदद की आवश्यकता होगी, वह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगी। आज हम नेत्री राजस्थान नेत्रहीन सेवा संघ अजमेर के तहत हम यहाँ आए तो केंद्र सरकार की तरफ से इंस्ट्रूमेंट बांटे गए, तो उस ये अश्योर किया मैंने कि भाई मेरी निगम की तरफ से या मुझसे खुद से कुछ भी मदद होगी जो हर संभव मदद में करने को तैयार हूँ और 24 घंटे की सेवा में तैयार। आज क्या कार्यक्रम? आज जो है कार्यक्रम ये था कि मोबाइल वितरण समारोह हमने मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि महिला मेयर जो बनी है प्रथम, उनको चीफ गेस्ट बनाया था, और हाड़ा साहब सुशील हाड़ा डॉक्टर जो हैं जिला अध्यक्ष बीजेपी के, डिप्टी मेयर नीरज जैन साहब को बुलाया था, और जगह जगह से हमारे 40 जो है नेत्रहीन बालक बालिकाएं आई थी, उनको हमने ये प्रधानमंत्री उपकरण जो है सेवा के अंतर्गत ये इनको वितरण करवाया गया है, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मीडिया कर्मियों ने भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है, क्योंकि प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। डीपीएस ने लिया 50% फीस माफ करने का निर्णय। स्कूल द्वारा अभिभावक छात्र व विद्यालय हित में लिए गए अहम निर्णय। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रिस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा एक अति महत्वपूर्ण फैसला छात्र छात्राओं की फीस से संबंधित लेते हुए विद्यालय संचालकों को 100% फीस लेने के अधिकार प्रदान किए गए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। उक्त फैसले के पश्चात ब्यावर जनाधिकार मंच के गजराज आचार्य व अन्य संस्थाओं द्वारा विद्यालय डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अभिभावकों द्वारा विद्यालय प्रबंधन को वर्तमान में कोविड गाइडलाइन और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विद्यालय शुल्क में राहत प्रदान करने के लिए आग्रह किया गया। कोविड-19 के कारण आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर हुई है, जिस पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई और इस फीस के मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभिभावक छात्र व विद्यालय हित को देखते हुए अध्ययनरत कक्षा LKG से 8वीं तक विद्यालय शुल्क में 50% तथा 9वीं से 12वीं तक में 35% फीस माफ करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कोविड-19 की वजह से विद्यार्थियों के अध्ययन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसको पूरा करने हेतु विद्यार्थियों को रिवीजन करवाते हुए सरकार के आदेशानुसार सिलेबस पूरा करवाकर और परीक्षा लेकर आगे की कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। नए सत्र में भी विद्यालय द्वारा प्रेषित विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय की तरफ से किताबें और यूनिफॉर्म निःशुल्क प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा को विद्यालय द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए एक ही परिवार की 2 बेटियों के प्रवेश दिलवाने पर 50% फीस में छूट प्रदान की जाएगी, तथा यदि तीसरी बेटी है तो उसे विद्यालय द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उद्घोषणा विद्यालय सचिव पूनम चौहान, निदेशक कुलदीप सिंह राठौड़, अकेडमी डायरेक्टर जाहिदा शेख, प्रधानाचार्य हेमलता भाटी, कैशियर कमल पारशर, विद्यालय स्टाफ एवं अभिभावकों की उपस्थिति में लिया गया,
जिसका सभी ने करतल धोनी से समर्थन किया। आज हमारे विद्यालय की एक जो योजना थी उसके बारे में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था वो वास्तविकता में सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। उसके बावजूद ब्यावर लोकल क्षेत्र से हमारे पास में काफ़ी कुछ फ़ोन्स आए थे कि साहब आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो तो 100% किया है, अब आप लोग क्या करेंगे, वास्तविकता में आप लोग कुछ सोचें और हमारे जो अभिभावक हैं उनको रिलीफ दें। इसके लिए हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि अब हमारे पास किताबों का भी अभी वजन बढ़ रहा है और कुछ समय बाद में वापस जब जुलाई से स्कूल्स खुलेगी फिर हमें बुक्स वगैरह लेनी पड़ेगी, तो आप लोग कुछ सोचें। तो हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने बैठ के ये डिसीजन लिया कि जो वास्तविक खर्चा हमारा हुआ है लगभग 45% से 50% जो वास्तविक खर्चा हुआ है वो ही हम इस समय पेरेंट्स से लेंगे और जो रिलीफ हमने देनी थी वो डिसाइड करके हमने आज ये सार्वजनिक आपके माध्यम से हर अभिभावक तक भी ये पहुंचा रहे हैं, आम जनता के पास भी ये पहुंचा रहे हैं कि हमारे विद्यालय ने कोविड-19 की महामारी को देखते हुए जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका रिलीफ पेरेंट्स को दिया है, केवल 50% फीस ही स्कूल वसूल करेगा। अब सर बात ये आती है, भी कई संगठन बात भी उठा रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो साल भर से आपके एम्प्लॉय थे टीचर्स वो भी क्या कोरोना काल में अपने आर्थिक संकट से गुजरे हैं, क्या आप ये फीस का ये कम लेने का बहाना करके उनको आप सैलरी नहीं देने का थे तो विचार नहीं है? वास्तविकता में ये है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स परेशान थे उसी तरीके से हमारे जो एम्प्लॉई है वो भी परेशान थे और उसके साथ साथ में हर विद्यालय संचालक भी परेशान था और जहाँ तक उम्मीद है आप लोग भी उसी चीज़ों से ग्रसित थे, परंतु जो परेशानी का समय निकल गया और आने वाले समय में हम परेशान नहीं हों। यदि यही लिटिगेशन मैं लेके बैठा रहूं कि मैं 100% फीस वसूल करूं और मैं आगे सबको सैलरियां और वो दूं तो ये क्राइसिस और ज्यादा पेरेंट्स के साथ बढ़ जाएगी। किस तरीके से आर्थिक मंदी से हमारा पूरा देश गुजरा है तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय की सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि हम सभी अभिभावकों से फीस जो है वो 50% की डिस्काउंट दिया जाएगा LKG से लेकर 8th क्लास तक, साथ ही 9 से 12 क्लास को 35% की छूट दी। इस डिस्काउंट का देने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम पेरेंट्स पे जो आर्थिक दबाव आया है उसको कम कर सके, साथ ही बच्चों का जो इतने लंबे समय से पढ़ाई से लेकर लॉस जो हुआ है, जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके, ताकि इस कारण किसी भी आर्थिक मंदी के कारण आर्थिक कारण से कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल से वंचित ना हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। न्याय के लिए भटक रहा ग्रामीण, पुलिस से रसू खातों के चलते दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट। W गोस्वामी संवाददाता जयपुर ग्रामीण से। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer और near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer। सांवर के ढाणी बोरा से जहां एक ग्रामीण सतवीर चौधरी के साथ ग्राम सिनोदिया के होटल संचालक सोहनलाल के द्वारा खाने को लेकर हुए विवाद और कहासुनी के चलते मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें होटल संचालक व कुछ पुलिस के साथियों के द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट की गई। जब पीड़ित अपने साथ हुए अत्याचार की पुलिस थाना फुलेरा में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि होटल संचालक व उसके लड़के अपने रुतबे और पुलिस की मिलीभगत के चलते उसके घर आकर रोज़ रोज़ धमकी देता है कि तुम सबको भी पुलिस थाने में बंद करवा दूंगा, जिसके चलते पीड़ित व पीड़ित की पत्नी ने कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक सांभर में आकर न्याय के लिए गुहार लगाई है।
साथ ही जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। सांभर पुलिस उप अधीक्षक कीर्ति सिंह से जब सांभर उपखंड पत्रकार संघ घटना पर जानकारी लेने पहुंचे तो मीटिंग में व्यस्त होने का बहाना बताकर मीडिया से बात करने में असमर्थता जताई। जॉन हिंदी न्यूज़ डब्लू गोस्वामी खबर जयपुर सांभर से। अभी आपके सामने में एक बहुत ही गरीब आदमी, असहाय आदमी, जिसके ऊपर तनाशाही करके पुलिस कर्मियों के साथ मिल के डाबे वाले सोहन लाल ने ऐसी हाल किया, ये देखने लायक नहीं है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे जिसको मारा पीटा और हाथ पैर तोड़ दिया और वो अस्पताल में भर्ती था, छुट्टी लेके आए हैं। अभी डिप्टी ऑफिस के सामने मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ ये इनका असलियत क्या है। हाँ सर जी, अभी बताइए आप, ये आपसे क्या क्या हुआ, क्या क्या कांड हुआ? मैंने अभी आपको बताया कि मैं ढाबे पे खाने खाना गया था, तो ढाबे वाले जी को खाने को मामले में लेकर कोई कासुनी हो गई, तो गाली गलौज हुई, तो उसने हमारे साथ में इतनी बेरहमी से मारपीट की कि बहुत ही ज़्यादा तरीके से। फिर मैंने उसको कहा कि मैं पुलिस को बुलवाता हूँ, तो उसने कहा कि तू क्या पुलिस को बुलवाता है, पुलिस को तो मैं जेब में रखता हूँ, मैं बुलवाता हूँ। फिर उसने चौकी वालों को बुलवा कर चौकी वालों के साथ फिर मेरे साथ मारपीट की। फिर थाने से पुलिसकर्मी गए, सारों ने मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्त मारपीट की, और मैंने जब कहा मुकदमे के लिए तो उसने कहा कि तू अगर मुकदमा दर्ज करवाता है तो तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। आज ये वीडियो वायरल हो गया तो मैं मुकदमा दर्ज करवाने पर मजबूर हो गया। ये बताइए, जो आपसे मारपीट की ढाबा वाले का क्या नाम है? सोनलाल। सोनलाल आगे क्या लगाते हैं? जाट है साहब, उगा लिया। हम दो आदमी थे, दोनों के साथ मारपीट की, इतनी ज़बरदस्त मारपीट की, तो मेरे को तो पुलिस वालों ने पकड़ के वहीं पे खूब मारा, फिर मेरे को मुकदमे में बंद कर दिया। एक था बेचारा, वो मार मतलब मारा तो वो भग गया वहाँ से, वो वहीं से फरार हो गया। तो पुलिस उसको अभी तक नहीं ढूंढ रहा है? पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन जब मैं 26 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, मेरा उसमें कोई मतलब नहीं, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, उसमें भी मेरा जबरदस्ती नाम लिखाया गया है। कौन सी थाना से ये फुलेरा सब काम हुआ? फुलेरा थाना। सोनलाल बुगालिया और उनका लड़का, वो भी धमकी देते हैं, घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा करेंगे, उसको कमाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, उसको तोड़ फोड़ के घर पे पटक देंगे। और पुलिस वाले भी जाते हैं, मुंडवाड़ा चौकी से भी गए थे, वो भी मेरे को बहुत धमकाया था। उस दिन से मैं बीमार चल रही हूँ और मेरा माइंडली इलाज भी चल रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। रोज़ रोज़ जा करके मेरे को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन इनको इतना मारा था कि वो खून में पूरे लथपथ हुए थे और घर पे गए थे। उन्होंने एक दिन आए थे, उस दिन जो जिस दिन उसके लगी थी उसी दिन घर पे आए थे और उस दिन से बाद में घर पे भी नहीं आए थे और खून से पूरे लथपथ हुए थे। और फुलेरा थाने से कौन कौन आते थे आपके पास, याद है क्या आपको कुछ? फुलेरा थाना से पुलिस वाले गए थे। कितने लोग थे? 3-4 लोग थे। क्या कहा पुलिस वालों ने आपको? ऐसे बोलते थे कि उनको बुलाओ, ऐसा करो, आते नहीं है घर पे, मेरे को भी टॉर्चर करते थे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और उस दिन कितनी गाड़ी आई थी घर पे आपके? 3 गाड़ी आई थी। उसमें पुलिस के साथ वो जो वो उनकी गाड़ी थी, 2 और पुलिस वालों की थी 2। उनकी गाड़ी में कितने लोग साथ? दोनों गाड़ी भरी हुई थी। आपको क्या धमकाया उन्होंने? उन्होंने धमकाया कि आप, मैं बेहोश भी हो गई थी, उन्होंने बोला कि आप तो नाटक करती हो। अच्छा। और मैं बेहोश हो गई थी वापस, फिर मेरे बेहोश होने के बाद में वो भाग गए थे गाड़ी में बैठ के। और एक तो पुलिस वाला, मेरे को पता नहीं नाम क्या है, लेकिन पिक कर मेरे पास बहुत कर रहा था। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत आम का तालाब इलाके में रहने वाले 14 वर्षीय बालक ने लगाई संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी। माता पिता गए हुए थे मजदूरी पर, पीछे से 2 बच्चे घर में थे अकेले। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स,
जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। वीर बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। अलवर के थाना अंतर्गत आम का तालाब में रहने वाले सुनील के 14 वर्षीय पुत्र समीर ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर की सीढ़ी की रेलिंग में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसी सुशील ने बताया कि बच्चे के पिता सुनील और मां दोनों ही मजदूरी पर गए हुए थे। मां झाड़ू पोछे का काम करती है और पिता सुनील मजदूरी का काम करता है। घर में दो बच्चे अकेले थे। रोजाना की तरह घर में लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती रहती थी। आज चीखने की आवाज़ आने पर जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो समीर ने गले में फंदा लगा रखा था और रेलिंग से लटका मिला, जिसे तत्काल उतारकर स्कूटर पर जेलन हॉस्पिटल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाकर तहकीकात करने में जुटी हुई है। हम घर के बाहर बैठे थे जब इसका भाई छोटा वाला चिल्ला रहा था, रोया पीटी कर रहा था, तो ये रोज झगड़ते हैं, वैसे झगड़ रहे थे। तो मैंने सोचा क्या हुआ रे, तो कोई बोला नहीं, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, ऐसा करके उसने रो रहा था। तो अंदर जाके देखा तो वो सीढ़ियों पे पड़ा हुआ था और गले में रुमाल बंधा हुआ था। फिर इसको उतार के नीचे लेके आए, देखा तो गले में फंदा लगा हुआ था। इस हिसाब से फिर हम तुरंत इसकी माँ को फ़ोन करा और हम एक्टिवा पे लेके इसको सीधा हॉस्पिटल लेके आए थे। क्या उम्र होगी इसकी, क्या नाम? उसकी उम्र समथिंग 14 है, 14 साल है, और समीर नाम है उसका, आम का तालाब। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है सुनील। क्या करते हैं इनके पिताजी? कंस्ट्रक्शन का काम है, मजदूरी करते हैं। उनकी मम्मी क्या करती है? उनकी मम्मी झाड़ू पोछा करने जाती है। परेशानी चल रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, मतलब इसके घर पे तो कोई रहता नहीं, दोनों बच्चे रहते हैं। बच्चे ने खेलते वक्त लगाई, पता नहीं खेलते वक्त लगाई है क्या कर रहा था, हम तो बाद में गए थे। रेलिंग रुमाल कहाँ पर लगाई थी? सीढ़ियों पे, रेलिंग पे। पुलिस को दे दी उसने? पुलिस को मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए अलवर गेट। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नकली नारकोटिक ब्यूरो के अधिकारी बनकर की 290 ग्राम सोने की ठगी। मेड़ता सिटी के सुनार मानमल जैन ने अपने नौकर विष्णु शर्मा को भेजा था अजमेर सोना बेचने। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। वीर बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत नकली नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी बनकर मेड़ता सिटी के रहने वाले स्वर्ण व्यवसायी के नौकर विष्णु शर्मा के साथ 290 ग्राम सोने की ठगी का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि 11 फरवरी को मेड़ता सिटी जनपद मार्ग स्थित मानमल जैन, जो कि सोने चांदी के व्यापारी हैं, ने अपने नौकर विष्णु शर्मा को अजमेर में लोढ़ा मार्केट में गौरव जैन के पास सोना बेचने भेजा था, जहां सोने का उचित मोल भाव नहीं होने पर विष्णु शर्मा सोने का टुकड़ा लेकर वापस मेड़ता सिटी लौट रहा था। इसी बीच आग्रगेट सिंडिकेट बैंक के पास किसी ने पीछे से उन्हें आवाज़ लगाई और बोला कि साहब बुला रहे हैं। इसके बाद बैंक के पास वाली गली में ले जाकर दो व्यक्तियों ने उसके बैग की तलाशी ली, जिसमें से 290 ग्राम सोने का टुकड़ा और 1000 रुपये की नकदी मिली। दोनों ने बड़े शातराना तरीके से अपने आप को नारकोटिक्स ब्यूरो का अधिकारी बताते हुए उससे थोड़ी देर तक पूछताछ की। इस बीच उन्होंने विष्णु शर्मा की आंखों में धूल झोंक कर सोने के टुकड़े को गायब कर दिया। थोड़ी दूर जाकर जब विष्णु शर्मा ने अपने बैग को चेक किया तो उसे वह सोने का टुकड़ा नहीं मिला। इस पर उसे अपने ठगे जाने का एहसास हुआ। उसने आसपास उन व्यक्तियों की तलाश की लेकिन वो नजर नहीं आए। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
सब इंस्पेक्टर देवाराम ने बताया कि दोनों आरोपियों ने मुंह पर मास्क लगा रखा था, इसलिए पहचान करने में दिक्कतें आ रही है। फिलहाल ठगी का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक विष्णु शर्मा जो मेड़ता सिटी का रहने वाला है और मानमल जैन की दुकान पर काम करता है। मानमल जैन की सोने चांदी की दुकान है जो अपने बने बनाए जेवरात लेता है और बेचता है और उतार चढ़ाव का सौदा भी करता है। जिसने दिनांक 11 को विष्णु जो शर्मा नाम का नौकर था उसके साथ 240 ग्राम सोना अजमेर भेजा था, जो अजमेर लोडा मार्केट में गौरव जैन के यहाँ देना मतलब बेचने के लिए बताया था। जो सेठ के और उस गौरव शर्मा की बात हुई जो बाहू में नहीं बैठा तो वापस लेके जा रहा था आगरा गेट सिंडिकेट बैंक के पास। इसको आवाज़ दी किसी ने कि आपको सांप बुला रहे, लगाकर कहा कि आपको सांप बुला रहे, तो वो वापस आया और सिंडिकेट के पास एक गली है उसके मुआने पर उसकी तलाशी ली गई और उससे जेब में से एक सोने का टुकड़ा 290 ग्राम का और 1000 रुपये थे वो निकले। जो तलाशी के बाद कुछ समय उनके हाथ में रखे और उसके बाद वापस बैग में रख कर ड्रामा करके उसको कहा चले जाओ। वो वहाँ से रवाना होके वापस गणेश मंदिर के पास जाके बैग को चेक किया तो उसमें सोने का टुकड़ा नहीं मिला। जिसने वापस आके देखा तो वहाँ वो दोनों व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने दोनों व्यक्तियों ने बताया कि हम नारकोटिक्स चेकिंग कर रहे हैं। इस प्रकार इससे के साथ ठगी करते हुए 290 ग्राम सोना लेके वो रफू चक्कर हो गए, जो अज्ञात व्यक्ति है जिनकी तलाश जारी है। माल तो इनके आधार पे 290 ग्राम बताया है। पुराना सोना है तो कम है, वर्तमान भाव है तो भाव के हिसाब से देख लीजिएगा। ये नौकर है विष्णु शर्मा है जो नौकर है। किसके यहाँ पे काम करते हैं? मानमल जैन है, मेड़ता सिटी का ही, जो सोने चांदी की जनपद मार्ग पे दुकान है। ये बेचने के लिए लाया वहाँ से इस मालिक ने देखे यहाँ बेचने के लिए भेजा था। मौका मुआयना नक्शा मौका देख के आया हूँ। घटनास्थल पे सीसी फुटेज भी देख रहे है जिसमें दो व्यक्ति है जो इसके साथ ये जो वारदात कर रहे है वो फुटेज में थोड़ा बहुत आया है। बल्कि मास्क लगा हुआ होने के कारण से अज्ञात मुलजिमानों का अभी पता नहीं चल पाया है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शुभम हॉस्पिटल और लॉयंस क्लब पृथ्वीराज के संयुक्त तत्वाधान में लगा डायबिटीज निदान व ब्लड प्रेशर जांच शिविर। निःशुल्क जांच शिविर में 145 व्यक्ति हुए लाभान्वित। रोग से बचाव हेतु नियमित जांच व सलाह जरूरी। डॉक्टर जयसिंघानी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा मधुमेह जागरूकता गतिविधि के तहत शनिवार को वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान में शुभम हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में शिविर आयोजित किया गया। प्रांतीय विशेष सचिव प्रचार लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम लॉयंस क्लब के संस्थापक मेलविन जॉन्स के जन्मदिन पर आयोजित सेवा सप्ताह के अंतिम दिन शुभम हॉस्पिटल के सहयोग से मधुमेह जांच एवं रक्तचाप जांच शिविर और पंपलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 145 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम संयोजक लॉयन आभा गांधी ने बताया कि इस अवसर पर मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी ने उपस्थित जनों को नियमित घूमने, समुचित आहार व व्यायाम से मधुमेह जैसे रोग से छुटकारा पाने की सलाह दी। इसके लिए नियमित जांच और डॉक्टरी सलाह मानना भी जरूरी है।
डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी और उनकी टीम वीरेंद्र सिंह हबीब मोहम्मद द्वारा आमजन की डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच की गई, साथ ही परामर्श भी दिया गया। इस अवसर पर आमजन को आज के दौर में बढ़ रही इस बीमारी के बचाव, उपचार एवं सावधानियां रखने की जानकारी के पैम्पलेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर लॉयन राजेश यादव, राजेश जैन, किशन लखवानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बोल रहा हूँ। आज हम लोगों ने लायंस क्लब पृथ्वीराज और शुभम हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क डायबिटीज निदान व ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का कैंप लगाया वैशाली नगर के शहीद भगत सिंह उद्यान में। वहाँ करीबन 100 से ज्यादा लोगों ने इस शिविर का फायदा उठाया। ये शिविर आम जनता में जागरण पैदा करने के लिए, डायबिटीज के प्रति जागरण पैदा करने के लिए लगाया गया। लोग इस बीमारी को समझे और उससे बचने का उनको उपाय समझाए गए। इसमें हमारे स्टाफ का सहयोग और राजेंद्र गांधी जी का सहयोग काफी अच्छा रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। प्लांट ट्रांसफर के साथ प्रदेश में अजमेर ने रचा इतिहास। इंडोर स्टेडियम से अशोक के पेड़ों को ट्रांसफर कर लगाया जेल ट्रेनिंग सेंटर में। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। यूं तो इतिहास में कई उदाहरण दर्ज हैं जिसमें भौतिक विकास पर्यावरणीय विनाश का कारक से दुआ है, परंतु इस तथ्य को झुटलाते हुए अजमेर ने आज पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए भौतिक विकास की एक नई इबारत लिख डाली। पटेल मैदान में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों के तहत लगभग 24 अशोक के पेड़ काटने आवश्यक प्रतीत हो रहे थे, तब इंडोर स्टेडियम कमेटी के धनराज चौधरी ने गत 14 जनवरी को जवाहर रंगमंच में आयोजित बैठक में सीईओ प्रकाश राजपुरोहित, एसीईओ कुशाल यादव और चीफ इंजीनियर अविनाश शर्मा के समक्ष विदेशी तर्ज पर पेड़ों को जड़ सहित शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा। इस पर जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने प्रत्यारोपण हेतु न केवल अपनी जगह उपलब्ध करवाने का न्योता दिया बल्कि शिफ्टिंग हेतु संसाधन भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ग्रीन आर्मी के डॉक्टर भरत सिंह, कुलदीप सिंह गहलोत और सिद्ध भटनागर ने तकनीकी पक्ष सुनिश्चित किया और मरुधरा संस्थान के ब्रजेश माथुर व अभय सांकला ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। 13 फरवरी शनिवार सुबह रोटरी क्लब की डॉक्टर निशा सिंह व आर्यन कॉलेज के छात्र छात्रा, कराटे प्रशिक्षक प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में प्रातः 7 बजे पर्यावरण प्रेमी एकत्रित हुए। नव निर्वाचित उपमहापौर नीरज जैन के मुख्य आतिथ्य में नव निर्वाचित कारपोरेटर्स देवेंद्र सिंह शेखावत, रमेश चेलानी, बोट क्लब के जेपी धादीच, लेक क्लब के रणवीर सिंह खुराना, स्टेडियम कमेटी के अनिल दुबे ने, पेट्रोलियम अकादमी के सुरेश शर्मा, गेगल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के गोविंद झंवर, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी, सिलोरा उद्योग जगत के संजय अग्रवाल व अधिवक्ता परिषद के जेपी शर्मा की उपस्थिति में विधि विधान से पेड़ों को शिफ्ट करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। मुख्य अतिथि नीरज जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि निगम व प्रशासन अजमेर के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में कृत संकल्पित है। जैन ने आश्वस्त किया कि अगले कुछ महीनों में ही अजमेर स्वच्छता व हरियाली में इंदौर के समकक्ष स्थान बना लेगा, परंतु उसके लिए शहर का एक एक नागरिक अपने शहर की सड़कों, गलियों और मोहल्लों को वैसे ही समझे, वैसे ही ट्रीट करे जैसे खुद के घर आंगन को करता है। जेल ट्रेनिंग संस्थान के प्राचार्य पारस शर्मा व नीरज जैन ने हरी झंडी दिखाकर पहले डंपर को रवाना किया जिसमें 3 पेड़ रवाना किए गए। आज कुल 18 पेड़ों को स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया। पूरा इलाका ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर न्यूनतम ट्रैफिक रखते हुए सिद्ध भटनागर व दीपक शर्मा के मार्शल व्हीकल की अगुवाई में संस्थान पहुंचा, जहां पेड़ों को प्रत्यारोपित किया गया। कार्यक्रम का संचालन इंडोर स्टेडियम के डॉक्टर अतुल दुबे ने किया।
इंडोर स्टेडियम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडोर स्टेडियम और जो हमारा पटेल स्टेडियम है वहाँ का रिनोवेशन का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अंदर इसका स्टेडियम का एक्सटेंशन का काम चल रहा था। यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 पेड़ तो लंबे समय पहले लगाए गए थे, लंबे समय से यहाँ थे और यहाँ के वातावरण को शुद्ध कर रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, यहाँ की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। वो कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो विकास का काम था, जो डेवलपमेंट का काम था, उसमें कहीं भी उसके कारण से उनको हटाने की प्रशासन ने सोचा। लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो हमारे साथी हैं, अजमेर के जो निवासी हैं, जो उसमें जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पेड़ों को हटाना और काटना तो कम से कम ठीक नहीं है। इसका कहीं ना कहीं हम यहाँ से क्या और ले जा करके लगा सकते हैं। तो ग्रीन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली और ग्रीन आर्मी की टीम ग्रीन आर्मी ने जिस प्रकार देश में और भी जगह पे मुझे मुंबई का, चेन्नई का, बेंगलुरु का ध्यान है, जहाँ पर डेवलपमेंट के काम में पेड़ों को हटाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया गया, उसी के अंतर्गत आज अजमेर में ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया, पहली बार ये नवप्रयोग हुआ। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयोग से विकास के कामों के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इस प्रकार पेड़ों को और हरियाली को हटाने की कोशिश नहीं की जाएगी, और इस प्रकार की कहीं जरूरत भी पड़ती है तो इनका इस प्रकार ट्रांसप्लांट अगर ये आज ये सक्सेस हो जाता है तो आने वाले टाइम में अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर भी इस प्रकार की स्थिति होगी वहाँ से पेड़ों को हटा करके ले जा करके तो शिफ्ट किया जा सकेगा। यही इसका आज का उद्देश्य था और आज ये पहली बार ये प्रयोग किया है, निश्चित रूप से सफल होगा, इसकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पंचशील स्थित सबसे पुरानी गणेश गुआड़ी योजना अभी तक नालियों से है महरूम। एडीए द्वारा 30 साल पहले बसाई गई इस बस्ती में अभी तक नालियां नहीं बनने से नागरिक हैं परेशान। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। पंचशील स्थित 25 से 30 साल पहले गरीबों के लिए एडीए द्वारा अमल में लाई गई गणेश गुआड़ी योजना आज तक भी लाचार, गरीब और ऐसा ही बनी हुई है। यहाँ रहने वाले लोग सामान्य सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 76 के अंतर्गत आने वाली इस गणेश गुआड़ी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतीश माथुर को अपना मत देकर विजयी बनाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एडीए द्वारा बसाई गई इस बस्ती में अभी तक सड़क, नाली जैसे मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरह से मुहैया नहीं कराई गई। इस बस्ती में नालियां बनी ही नहीं हैं। घरों से निकलने वाला पानी एक दूसरे के घरों के आगे एकत्र होता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, साथ ही बीमारियों का डर भी बना रहता है। यहाँ कुछ लोग नेता बनने की चाह तो रखते हैं, वह प्रशासन से यहाँ सुविधाएं मुहैया कराने की बात तो करते हैं लेकिन धरातल पर कोई प्रयास करते नजर नहीं आते। अभी आप कहाँ खड़े और क्या स्थिति है? मैं यहाँ पंचशील गणेश गुआड़ी कॉलोनी में खड़ा हूँ। सबसे पुरानी कॉलोनी है पंचशील की गणेश गुआड़ी। यहाँ छोटे छोटे मकान है, 50-50 गज के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कम से कम कॉलोनी को कम से कम 25 साल हो गए हैं, नालियों का निर्माण नहीं हुआ। आज ये गणेश गुआड़ी डेवलप होती जा रही है, मकान में मकान बनते जा रहे हैं, पर नालियों का कोई भी निष्कासन नहीं है, पानी का कोई निष्कासन नहीं है, मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, साफ सफाई भी प्रॉपर नहीं होती है, इतनी गंदगी हो रही है, पानी का निष्कासन कहाँ से जावे? और पानी का निष्कासन नहीं होगा तो आपस में फिर परेशानियाँ होती हैं और लोग परेशान होते हैं यहाँ पे, और मच्छर होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं यहाँ पे। हमने तो पहले भी कई बार ज्ञापन दिए गए, नालियों का निर्माण कराया जाए प्रॉपर। इतनी बड़ी कॉलोनी है, आप ऑप्शन तो कर रहे हो प्लॉट यहाँ पे, और कितनी अच्छी कॉलोनी है, पर नालियों का कोई भी निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पे।
कम तो हालत है, हालत बहुत बदतर हालत है यहाँ पर, देखो कितनी गंदगी हो रही है। आप खुद आपके हमने चैनल के माध्यम से कई बार ज्ञापन दे चुके हैं हम यहाँ पे गणेशवाड़ी के लिए, पर कोई सुनवाई नहीं होती। हमने एडी प्रशासन को भी कई बार कहा है, तो प्रॉपर नालियों की व्यवस्था की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुगम रहेगा। तो आसपास में क्या फिर वो लड़ाई झगड़े भी होते हैं कि यार पानी यहाँ कैसे आ रहा है, पानी यहाँ कैसे आ रहा है। तो प्रॉपर व्यवस्था की जाए, नालियों की व्यवस्था की जाए बिल्कुल, हम तो ये प्रशासन से निवेदन करेंगे। अगर अब भी सुनवाई नहीं होती तो किस तरीके से क्या रहेगा? हम सुनवाई नहीं होगी तो हम एडी में जाके ज्ञापन देंगे और बिल्कुल हड़ताल की तरफ हड़ताल करेंगे हम जाके। माना कि माना बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इतनी लंबी चौड़ी कॉलोनी है गणेशवाड़ी, सबसे अच्छी कॉलोनी बन रही है यहाँ पे, और दिन ब दिन डलो होती जा रही है, पर वही है। कितना टाइम हो गया गणेशवाड़ी को? गणेशवाड़ी कम से कम यहाँ पे आज हम देख रहे हैं 8-10 साल में काफ़ी अच्छे मकान बन गए हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी डलो हो गई है कॉलोनी। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे ऑप्शन नीलामी करी थी, तो काफ़ी अच्छी नीलामी गई थी यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने प्लॉट लिए हैं। कम तो यही कम से 95 की कॉलोनी कटी हुई है गणेशवाड़ी के। क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लोग बताते हैं कि पिछले 3 दशकों से यहाँ वोट मांगने नेता पहुँचते हैं। वोट की अपील करते वक्त कई लोग लुभावन सपने दिखाते हैं, लेकिन जीतने के बाद मुड़कर नहीं देखते। क्षेत्र के लोग जैसे 25 साल पहले जी रहे थे, आज भी उसी स्थिति में जीने को विवश हैं। सड़क नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि हमारा अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नालियों की स्थिति भाई साहब, नालियों बनानी जरूरी है भाई, खूब साल हो गए हमारे को आए हुए, कोई सुनाई नहीं करता नालियों की। मेन नालियां जरूरी है। किस तरह की हालत है? मतलब बहुत हालत खराब है यहाँ पे। पानी आता तो कैसे रोडों पे आता है? पानी रोडों पे आता है, घर में आ जाता है पानी, तो क्या करे, कोई सुनाई तो करता नहीं है, तो किसको बोले बताओ आप ही। अच्छा, कभी आपने धरना प्रदर्शन मतलब ज्ञापन भी दिया? हाँ ज्ञापन दिया, पर कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा सुनाई, तो क्या करे, किसको बोले बताओ आप ही। क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? हम तो साफ सफाई चाहते हैं, कोई सुनाई करे, तो नहीं तो धरना देके बैठ जाएंगे, क्या करेंगे भैया। गणेशवाड़ी की जो है ये, और यहाँ पर समस्या ये है कि नालियों की कहीं पे भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो एक नाली का पानी दूसरे घर के सामने जाता है, तो दूसरे परेशान होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है उस वजह से। तो यहाँ पे अगर कोई कोशिश हो गवर्नमेंट अपनी तरफ से नालियाँ बना दे तो बहुत बढ़िया है। सभी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, आपस में भी परेशान होते हैं लोग, एक पानी सड़क में बहता है, कहीं गाड़ी पैर जब वापस गंदा पानी अंदर जाता है, इस वजह से काफ़ी समस्या होती है। नहीं, पानी कहाँ जाता है नालियों का? पानी तो अभी सीधा अभी जैसे घूमता हुआ किसी के घर के बाहर जा रहा है, किसी के बाहर जा रहा है, वही गंदे पैर फिर अंदर जाते हैं घरों में। तो प्रॉपर अभी इसका कोई है नहीं समाधान कि पानी कहीं जा सके, उसका नाली में कोई जोड़ नहीं रखा है, कई सबकी अपने अपने नालियाँ ऐसे ही बन रखी है। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे नालियाँ बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि सबका पानी का कनेक्टिविटी सही से हो जाए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मार्च 2020 में कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन से अभी तक बंद है पुष्कर का रेलवे स्टेशन। मारवाड़ और पुष्कर के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन के संचालन नहीं होने से ग्रामीण यात्रियों और पर्यटकों को हो रही है परेशानी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी ने अपने पांव पसारे, तब भारतीय रेल के भी चक्के थम गए। इतिहास में पहली बार हुआ जब देश भर में हजारों रेलगाड़ियों का आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया गया। कारखाने, बाजार, रोजगार, सब कुछ बंद हो गया। अब 11 महीने बीतने के बाद जब अनलॉक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे समस्त स्थितियां सामान्य होने लगी हैं, तो आवागमन के अन्य साधनों के साथ रेलवे ने भी काफ़ी यात्री गाड़ियों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने वाली मारवाड़ पुष्कर ट्रेन को अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया, जिसकी वजह से पुष्कर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सूना पड़ा है। यहाँ इंसानों की बजाय परिंदे और जानवर चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल करोड़ों रुपए की लागत से बना पुष्कर रेलवे स्टेशन इन दिनों धूल चाटता नजर आ रहा है। देखना होगा कि रेलवे इस दिशा में यात्रियों को राहत देने के लिए कब और क्या कदम उठाता है। ट्रेन आफ्टर कोरोना महामारी लॉकडाउन के बाद से और अब तक बंद है। कब तक संभावना शुरू हुई? ये ट्रेन जल्द ही चालू होने की संभावना है। कोई लिखित आदेश? इसके गाड़ी चालू होने के हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं है। ये कब से रूटीन चलती थी ट्रेन से, कहाँ से कहाँ तक? ये ट्रेन मारवाड़ से पुष्कर एंड बैक। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com, सच के साथ।